बहुत लोग कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा हो तो सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है, हरि नाम की भजन करने की जरूरत नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने की भी जरूरत नहीं है, मन चंगा होना चाहिए था अपने आप मन चंगा हो जाएगा। अपने आप मन चंगा नहीं होता भाई, आज के टाइम में मन को कंट्रोल में रखना और मन की सफाई करना बहुत जरूरी है। बट कैसे? अर्जुन कहते हैं गीता में, चंचला ही मन कृष्णा प्रमादी बलभद्रम। हे कृष्णा, हे भगवान, मेरा मन इतना चंचल है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, हवा को, मैं वर्षा को रोक सकता हूँ, पर मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। और आप बोल रहे हो कि आप मन को कंट्रोल कर लोगे। घर में जब पानी की टंकी भर जाता है और वो पानी नीचे गिर रहे होते, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और आप मन को कंट्रोल कर लोगे कैसे? मन को कंट्रोल करने के लिए भजन सत्संग हरिनाम जरूरी है। भजहुरे मनसी नंद नंदन सेतु दर्पण माजनम, मतलब मन की सफाई करनी पड़ेगी हरि नाम के साथ, तब जाके मन कंट्रोल में होता है भाई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, इसमें आप जैसे देख पा रहे हो, ये मेरा बेसिकली एक कंपाउंड टूल है। तो इस कंपाउंड टूल की हम वायर कट फाइल बनाने वाले हैं। जो भी इसकी डाई प्लेट है, जो भी इसकी पंच प्लेट है, जो भी पंच है, इसकी हम आज वायर कट बनाएंगे। तो सबसे पहले जब हम वायर कट फाइल बनाते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें देखा जाती है, मतलब तभी आप वायर कट ड्रॉइंग बनाते हो। मैं वायर कट ड्रॉइंग इसमें दो तरीके से बनाऊंगा। पहला जो तरीका होगा, अगर आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जैसे आप एनएक्स की लाइसेंस यूज करते हो, तो उस केस में कैसे बनाओगे उस तरीके भी मैं दिखा दूंगा। और दूसरा तरीका होता है, अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसमें तो वैसे कोई दिक्कत होता नहीं है, जल्दी निकल जाती है वायर कट ड्रॉइंग, तो उस हिसाब से भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में पहला मैं आपको वायर कट ड्रॉइंग बनाना सिखाऊंगा, दूसरा वायर कट की क्या रेडियस होती है, जो वायर होती है किसकी होती है वायर की, और उसकी क्या रेडियस होती है, इसकी मैचिंग कैसे करते हैं, क्योंकि जो रेडियस होती है ना, तो अंदर वाली प्रोफाइल काटते हैं तो उसमें भी रेडियस आती है, तो इसको मैचिंग कैसे कराओगे, ये भी प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो जो मिस्टेक्स होती है, जो गलती होती है, उस गलती को कैसे सुधारोगे, उस गलती को कैसे हटाओगे, क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रख के बनाना पड़ता है, वो सारा चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज, इसकी वायर एंट्री कैसे करोगे, कहाँ से इसकी एंट्री करना पड़ेगा, अगर आप इनसाइड कटिंग कर रहे हो या किसी ब्लॉक से वेस्ट निकाल रहे हो तो उस केस में कैसे बनाओगे, दोनों का तरीका अलग अलग होता है। और इसमें हम कलर इंडिकेशन कैसे करते हैं, अगर मान लो पास स्टेपर में प्रोफाइल है तो इसको कैसे काटोगे, है ना, और रेफरेंसेस कैसे दोगे, कहाँ से रेफरेंस देना चाहिए, तो सारा चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। जो लोग भी नया नया जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीके से मैं वीडियो टूल एंड डाई हर तरीके से कोर्स मेरे पास अवेलेबल है, इसी तरीके से कंटेंट वगैरह डालते रहता हूँ। जो लोग नया है चैनल को जुड़ ले, क्योंकि आगे इसी तरीके से वीडियो और इंटरेस्टिंग तक मिलने वाले हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, और एक चीज है जो मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको भी एडवांस क्लासेस वगैरह लेना है, जिसको भी पेड क्लासेस वगैरह लेना है, नीचे ऑलरेडी नंबर मेंशन है, वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी जो भी क्लास वगैरह लेते हैं, इसमें फायदे क्या होंगे, कोई भी जॉब्स वगैरह अपडेट्स होती है वहां पे जॉब की अपडेट आपको मिल जाएंगे। जो भी मैं यूट्यूब में फाइल अपलोड करता हूँ, इस फाइल की आपकी पीपीटी पीडीएफ होगी, फाइल आपको मिल जाती है। उसमें जो भी आपकी फार्डर्स क्वारीज होती है उसको हम सॉल्व करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट वगैरह चलता रहता है। अभी मेरा एक तरीके से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो नया बैच के लिए आप अगर एनरोल करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो। इसी तरीके से मैं एडवांस कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करता हूँ हर तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे आपकी डाई की क्लास दिखा रहा हूँ, डाई में हर तरीके से डाई करवाता हूँ, मोल में मैं हर तरीके से मोल करवाता हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरा कंटेंट होते हैं वो इंडस्ट्रियल कंटेंट होती है, आपको पता ही है। जो भी इंटरेस्टेड है, नीचे मेंशन नंबर है, वहां पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी आपको प्लेट लेना है वो आप असेंबली से भी ले सकते हो, या आप अगर डायरेक्ट बना रहे हो वहां से भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो भी मेरा पंच प्लेट है, जो भी पंच ब्लैक प्लेट है, उसके ऊपर मैं काम करूंगा। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल सिलेक्ट करके, कंट्रोल जो भी मेरा प्लेट है, मैं कंट्रोल बी डाला हूँ और इसको सिलेक्ट करके इसको मैं रिवर्स सिलेक्शन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्लेट आ जाएंगे और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट डी में ले जाऊंगा। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी में ले जाऊंगा तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे बन चुका है, जैसे इसको मैं डिलीट कर दूंगा, बस शीट को भी डिलीट कर देता हूँ कि आपको समझा पाओ। तो यहाँ जो मैं है A2 में बनाऊंगा, ठीक है। A2 में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा प्लेट बड़ा है, ठीक है, साइज मेरा प्लेट का बड़ा है, तो मैं इसके हिसाब से मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे स्केल हमेशा 1:1 रखना है, कभी भी गलती से स्केल चेंज मत कर देना। आप ये जो मैंने यहाँ पे सीट लिया ना, उसकी A1 ले लो, लेकिन ये चेंज मत करना, ये चेंज कर दोगे तो फंसोगे, फिर प्लेस बना देगा ड्रॉइंग कुछ और कट के कुछ और आएगी, तो ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। तो स्केल 1:1 में करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं एक यहाँ पे बॉटम ले रहा हूँ। देखो, अभी यहाँ से
मैंने बना दिया, बट इस ड्राइंग की जो मेरा यहाँ पे एक ब्लॉक आती है, जैसे ये ब्लॉक आती है, इस ब्लॉक को हम हटाने के लिए मैं एक चीज आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इन फ्यूचर आप ड्राफ्टिंग करोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी आपके ऊपर भी, डिस्प्ले ब्लॉक्स आती है, ठीक है। इसको ऑन कर दोगे तो ये जो ब्लॉक आती है ना बहुत इरिटेट करती है एनएस में, तो इसको यहाँ से आप छुपा सकते हो सीधा, यहाँ जाके जहाँ जाना है प्रेफरेंस में जाके, ड्राफ्टिंग में जाके। देखो मैं जो बता रहा हूँ ना एनएक्स, जो लोग भी लाइसेंस यूज करते हैं उसके लिए भी काम आएगा, और जो लोग लाइसेंस यूज नहीं करते क्रैक उसके लिए भी तो काम आएंगे आएंगे, दोनों तरीके से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है। अब दूसरी चीजें मेरा यहाँ पे दिक्कत क्या होती है इसकी, जैसे मेरा यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा ना तब समझ में आएगी। मैं यहाँ पे प्रोजेक्टेड व्यू ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी प्रोजेक्टेड लूंगा तो इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई मेरा इसकी सेंटर लाइन वगैरह नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना, तो सेंटर लाइन कैसे आएंगे फिर। इसको मैं सिलेक्ट करके मैं जाऊंगा एडिट में, और यहाँ पे विजिबल रीजन लाइन में आती है, विजिबल इन्विजन में जाके इसको डैश लाइन, क्या लाइन है ये याद रखना है आपको, डैश लाइन में, ठीक है। इसको ऑन कर दूंगा ना तो यहाँ पे देखो विजिबल लाइन से आ गई मेरे पास, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सिमिलरली इसका भी अगर हिडन लाइन है, इसको भी आपको शो करना है, कहाँ मिलेगा, हिडन लाइन में जाके इनविजिबल लाएगा, डैश लाइन में जाके ओके कर देना, यहाँ पे बेसिकली आएगा नहीं। ये चीज करना जरूरी है, क्यों जरूरी है आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद जाके एक आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग लेना है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्यों लेना है, जो भी ऑपरेटर है उसको बढ़िया से सीधे समझ में आए, इसीलिए आपको आइसो लाइन लेना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इस लाइन को जाके भी, ठीक है, स्केल चेंज कर सकते हो यहाँ से जाके, और यहाँ पे जाके हम जाके इसको भी इनविजिबल कर जाएगा, एक हिडन लाइन डैश लाइन, डैश लाइन यूज कर रहा हूँ मैं यार, रखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर, कोई डाउट। टेपिंग होल है ये, याद रखना ये कौन सी टेपिंग होल है, यहाँ पे पता लग जाएगा आपको, ये टेपिंग होल है, ये मेरा टेपिंग है, ये मेरा टेपिंग है, ठीक है। ये मेरा थ्रू होल है, थ्रू मतलब जो काउंटर होल होल होती है ना वो होल है ये, ठीक है, ये टेपिंग वाली है। तो इसमें बताऊंगा कौन सी टेपिंग है, टेपिंग मेरा यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। अब इसको मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ सीधा, मैं यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट में जाके, यहाँ पे जाके जहाँ पे लोकेशन है ऑलरेडी मेरा, यहाँ पे कंपाउंड टूल लिख के आ रहे हैं, मैं इसको लिख दूंगा पांच बैक प्लेट या पांच प्लेट जो भी हो, मैं पांच ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसको फिनिश करके इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, मैं फाइल को सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे नया से जब फाइल एक्सपोर्ट होती है एक अलग से कॉलम बनेंगे यहाँ पे, तो उस कॉलम को आपको क्या करना है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाती है ये जब इसकी फाइल जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फाइल है ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट होने लग जाएगा, इसको होने देते हैं, आधा मिनट एक मिनट लग जाती है, तो इसको मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, हो गया। तो एक और क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछते हैं, पहला स्केल आपने समझ लिया, अब दूसरा चीज होती है आपकी ड्रॉइंग फाइल। ड्रॉइंग फाइल बोले तो जो भी आप फाइल बनाते हो उसमें कौन सी फाइल में देना सही है, DXF फाइल में सेव करोगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, जो भी आप फाइल कोड बनाओगे वो DXF में होना चाहिए हमेशा। और दूसरी चीज, जब भी वायर कट की इनसाइड मशीनिंग करते हो, इनसाइड मशीनिंग बोले तो इंटरव्यू क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर पहला क्वेश्चन जो लोग भी नया है जिसको वायर कट और CNC के बारे में थोड़ा डिफरेंस पता नहीं है उसको मैं बता देता हूँ। अगर मैं इस चीज की मशीनिंग कराऊंगा, कोई भी टूल लगाऊंगा, मान लो 3 का टूल लगा रहा हूं, यहाँ पे 1.5 का रेडियस बन के आएगी, यहाँ बन के आएगी, कोई ऑप्शन नहीं है, बन के आएगी ना, इसीलिए हम इसकी वायर कट करते हैं कि एक्यूरेट शेप ले पाओ। बट एक्चुअल में वायर कट में एक्यूरेट शेप आती है, नहीं आती है, क्यों, क्योंकि वायर कट का जो रेडियस होती है ना वो भी 0.125 का आती है, मतलब यहाँ पे जब वायर होती है ना, वायर होते 250 माइक्रोन की आती है, जो वायर कट के लिए वायर होती है वो 250 माइक्रोन की आती है, 250 माइक्रोन की वायर चलेगा तो यहाँ पे भी रेडियस बन के आएगा, कितना रेडियस बन के आएगा, 0.125 का रेडियस बन के आएगा, इतना रेडियस बन के आएगा, इतना बन के आएगा आपका। तो ये भी चीजें बन के आती है आपकी वायर कट के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, जो वायर कट होती है इसका रेडियस क्या होती है ना, वायर कट फाइल में इंटरव्यू में पूछते हैं कि वायर कट फाइल होती है जब आप वायर कट करते हो इसमें एक्यूरेट साइज बन के आती है। अगर बाहर बाहर बनाओगे, बाहर बाहर से टूल चलेगा वो एक्यूरेट बन के आएगी, बट अंदर अंदर चलाओगे ना नहीं बन के आएगी, अंदर अंदर 0.125 ये रेडियस छोड़ के आएगा, ये ध्यान रखना। और वायर कट फाइल का जो वायर होती है वो कौन सी मेटल का होती है, ये आज का क्वेश्चन है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है, मैं लास्ट में बता दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा आपको। आप मेरे को ये बताओ, जो भी वायर कट फाइल होती है उसकी मेटल कौन सी में आती है, ठीक है, कौन सी वायर का मेटल आती है, वो इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो कमेंट सेक्शन में आप बताओ मुझे, ठीक है। अब मेरा DXF बन गया है, सीधा मैं ऑटोकैड में जाता हूँ। अब मैं अपना फाइल को ओपन कर लेता हूँ, जो भी मेरा फाइल है, तो पांच बैक प्लेट मैं इसको ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। क्या क्या चीजें ध्यान रखना है आपको मैंने पहले बता दिया, और इसको हिडन लाइन में इसलिए लाना है क्योंकि आपको जब वायर कट फाइल बनाओगे
ड्राइंग बनाते समय आपको ये पता लग जाए कि हाँ ये टेपिंग होल था, ये थ्रू होल है। मान लो ये जैसे मैंने M6 का, मान लो ये मैंने बोल मारा है तो ये 6 का होगा ना, तो इस हिसाब से वो ड्रिल कर पाएगा। टेपिंग होगा तो मान लो, अगर मान लो इसमें M6 का वो है तो M5 का ड्रिल मार के उसमें टेपिंग कर देगा वो, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। अब जैसे हम व्हाइट कार्ड फाइल एक्सपोर्ट करते हैं तो ऐसे ड्राइंग आते हैं तो आप घबरा जाते हो, ये क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो घबराने वाले कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जाओगे सीधा लाइन वेट में जाओगे, जाके इसको जाके सीधा यहाँ पे ऑफ कर दो। तो ये आ गई आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिमाग में आती है ये मेरा कलर कैसे आ गई, तो आपको क्या करना है, इसको व्हाइट कर देना है। व्हाइट करने से पहले सबको सिलेक्ट कर लेना है, आपको करके इसको व्हाइट कर देना है। तीसरा क्वेश्चन आती है मेरा, जो ये ड्रॉइंग लाइन आती है बहुत पतली आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही क्या है क्या नहीं है, उस केस में क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, अदर पे जाओगे। आपने क्या लाइन सिलेक्ट किया था, डैश लाइन, मैंने आपको बताया था पहले डैश लाइन सिलेक्ट करना है। तो ये जो डैश लाइन है, ये वाली डैश लाइन, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो ग्लोबल स्केल फैक्टर है इसको 0.1 कर दो, ठीक है, एंटर नहीं करना है, उसके बाद ओके कर दो। अब क्या देखोगे आप, वायर कट जो है यहाँ पे आप देखोगे जो भी आपकी फाइल है डैश फाइल, इसको 0.1 कर दिया है मैंने, ठीक है, सेकंड 0.1 ये डैश है 0.1 ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी फाइल बनेगा ना, जूम करोगे ना इसको 0.1 के आसपास बन के आएगी। इसी तरीके से भी इसको आप बना सकते हो। और जो सेमेंस वाली ब्लॉक है इसको मैं हटा देता हूँ, अब मैं 0.1 को थोड़ा बढ़ा दूंगा हाँ, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, पहले इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको अगर नहीं सही है तो आप डिलीट कर सकते हो अपना, अगर कंपनी के खुद की, जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसकी अगर खुद की टाइटल ब्लॉक है तो भी आप उसको बना सकते हो। थोड़ा सा हम डिस्टेंस पे रख देंगे, अब देखोगे 0.15 बन के आ रहे हैं, 0.1 का मैंने बना दिया था, अगर आर ई करके रीजन कर दोगे तो यहाँ पे भी दिख जाओगे, ठीक है। तो कभी कभी जैसे ये जूम करते हो ना, ये फट जा, ऐसे हो जाती है, तो आर ई इसके कमान होती है, एंटर कर दोगे तो स्मूथ बन जाएगा, इसको बोलते हैं रीजन होना, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, अब जो वायरकट फाइल है इसको हम क्या क्या रखेंगे, वायरकट में क्या क्या रखता हूं मैं, तो सबसे पहले पहले बाहर बाहर का बाउंड्री होना चाहिए, बाहर बाहर का बाउंड्री तो मैं बता दे रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना, हमेशा काम आओगे, इस तरीके से वायर कट बनाना है आपको, हमेशा बना सकते हो। उसके बाद जो ये लाइन है, ये लाइन, ये मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है, ये भी लाइन मेरे को जरूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। ये होगा रेफरेंस के लिए, मतलब इसकी रेफरेंस के लिए, किसकी रेफरेंस के लिए, ये होल की रेफरेंस के लिए, तो ये वाला सही है नहीं सही है, इसको भी आप हटा दो। जो आपका वायर कट है बस उसको रखो, बाकी सारे चीजें आप हटा दो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी को भी रखना है, जो वायर कट करना है आपको उतना रख दे, और बाहर बाहर का प्रोफाइल आपको रखना है, ठीक है, कोई गलती नहीं करना है वायर कट में। मेरे पास बहुत कॉल आते रहते हैं कि सर इसके ऊपर बनाओ और इसके ऊपर वो कर दो, ठीक है, बहुत मैसेज वगैरह भी आता है, तो आज मैंने वायर कट का बना दिया आप लोग के लिए। तो ये मेरा क्या होगी, रेफरेंस लाइन होगी, मतलब इसकी रेफरेंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट चीजें होती है वायर, अब देखो, अब मैं ये फालतू का चीज चाहिए मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को ये टेपिंग होल है, मेरे को इसमें वायर कट से कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको सिंपली डिलीट कर दूंगा। जो भी ऊपर तर है उसको कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है, उसको कन्फ्यूज नहीं करना है, आपको हटा देना है। तो ये भी होल है, इसको भी हटा दे रहा हूं मैं, अब इसको मैं एक कारण रख रहा हूं, अभी इसको भी हटा दूंगा मैं। तो सबसे पहले जो वायर कट होती है ये कौन सी, सिंपल प्रोफाइल वायर कट है, ठीक है। अब इसकी वायर एंट्री कैसे होगी, ये मेरा प्लेट है, प्लेट तो मेरा काम क्या है, ये वाला अंदर वाली ब्लॉक मेरा काम का नहीं है, तो मैं वायर अंदर से घुसाऊंगा। अब वायर अंदर से कैसे घुसाऊंगा भाई, कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, एक सिंपल सा यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ, सेंट्रल टू सेंट्रल लाइन, ठीक है, एक यहाँ पे भी मैं सेंट्रल टू सेंट्रल लाइन ले रहा हूँ, अभी मैं डैश लाइन यूज कर रहा हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ से जाके मैं इसको बाइलेयर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक ड्रिल लगाऊंगा, कितने का ड्रिल डालूंगा इसमें, मैं 6 का एक ड्रिल मारूंगा, ठीक है, कितने का मार रहा हूं मैं, 6 डायमीटर का एक ड्रिल मार रहा हूं। ड्रिल क्यों मारूंगा, कि वहां से मैं वायर एंट्री कराऊंगा, क्या कराऊंगा मैं, वहां से वायर एंट्री कराऊंगा, मतलब यहां से पहले मैं वायर डालूंगा, डाल के यहां पे फिर अंदर अंदर मशीनिंग करूंगा। अब ये पॉइंट है ना, इसको डिलीट मार दो, ठीक है, और ये जो सेंटर वाली लाइन है ना, इसको मैं कर दूंगा कंट्रोल सी नहीं करूंगा, फिर मेरे को सेंटर निकालने में दिक्कत है, सी ओ एंटर करा मतलब कॉपी कमांड है, फिर यहां पे जाके इसकी सेंटर दे दो इसकी, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ये मेरा काम का नहीं है। अब बात समझ में आई, अब मैंने क्या कर दिया,
इस जो सीज है ना इनको सिलेक्ट करके, इसको भी अगर आपको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करके एस सी एंटर करके छोटा कर सकते हो इसको। मान लो मैं 0.5 कर देता हूँ तो ये मेरा स्केल सेंटर आ गई। सिमिलरली इसको भी सिलेक्ट करूंगा एस सी एंटर स्केल सेंटर पॉइंट से लेकर 0.5 कर दिया तो ये मेरे को पता लग गई यहाँ पे मेरा ड्रिल होने वाला है। मतलब ये जो सर्कल होगा ना ये ड्रिल हो गया, ड्रिल हो गया मतलब वायर एंट्री के लिए होगी। अब पहले क्वेश्चन, पहला जो मेरा वो है, अब मैं आपको एक ड्राइंग लेके मैं समझा देता हूँ, मेरा जो मेरा प्रीवियस ड्राइंग है उसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक रेफरेंस उठाता हूँ, मैं यहाँ पे एक रेफरेंस उठा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप देखोगे, जो भी प्लेट है, जैसे मैंने इसमें ये मेरा क्या एंगल पे है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको इनसाइड ब्लॉक जो है, मान लो ये मेरा ब्लॉक से ये काटना है, सिमिलरली मेरा यहाँ पे भी ये काट रहा हूँ मैं, इसके हिसाब से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे को रेफरेंस देना है, ये तो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सीखने को मिलेगा, हाँ प्लीज जुड़े रहना। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, रेफरेंस, आर ई एफ ई आर ई एन सी ई, रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस दे दिया। अब इसको मैं कर दूंगा एस सी एंटर, एंटर लेके इसको मैं 10 गुना कर देता हूँ, और सही है मेरे को एस सी एंटर पॉइंट लेके 3 गुना कर देता हूँ रेफरेंस। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेरे को एक लीडर देना होगा, ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऐसे लीडर दे दूंगा बस। अब देखो यहाँ पे मेरे को पता नहीं चल रहा है जो भी लीडर यूज कर रहा है ना, इसको मैं बड़ा करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक कमांड मिलेंगी आपको, लीडर मल्टी लीडर, ठीक है। मल्टी लीडर में जाओगे तो यहाँ पे आपको, ठीक है, मल्टी लीडर मैनेज मल्टी लीडर सेट मिलेंगे। यहाँ पे मॉडिफाई में जाओगे और यहाँ पे जो साइज है इसको 2 कर दो, ठीक है, यहाँ पे भी जो इसकी साइज है इसको 2 कर दो, ठीक है। और कॉन्टेंट वंटेंट में अगर आप देख लो कुछ साइज बढ़ाना है या टेक साइज 2 कर दो और उसको ओके कर दो, क्लोज कर दो, तो ये बड़ा हो जाएगा इसी तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, एम ओ एंटर करके इसको लेके इधर में डाल दूंगा रेफरेंस के लिए। तो ये मेरा क्या होगी, ये मेरा रेफरेंस वाली वो होगी। अभी आपको सिर्फ पता लग गई कहाँ से लीडर के सेंस करना है, कहाँ पे क्या करना है। ऑटोकैड की क्लासेस आपको सही है, एडवांस क्लासेस वगैरह सही है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं एडवांस क्लासेस वगैरह भी देता हूँ। जिसको भी एडवांस सीखना है तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। रेफरेंस को आप कलर कर दो थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे हम इसको कलर कर देते हैं, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा होगी रेफरेंस, मतलब यहाँ पे आपको रेफरेंस लेना है, ये आपकी रेफरेंस होगी। अगर आप यहाँ पे सेंटर लेना है तो सेंटर भी दे सकते हो। उसके बाद आपको डायमेंशनिंग करना है, डायमेंशनिंग कैसे करना है, प्लेट की एक्स और वाई अगर आप नहीं भी दोगे तो वैसे जो मेरा डाई जो मेरा वाइट कट फाइल बंदा होता है वो कर देगा। फिर डी एंटर कर रहा हूँ, डी एंटर मतलब डायमेंशन स्टाइल, इसमें मैं डायमेंशन को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 3 कर दूंगा और यहाँ पे टेक साइज में भी इसको मैं 3 कर दूंगा, ठीक है, तो इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 3-3 का आ गई। अब ये जो लाइन है इसको भी मैं इसमें कर दूंगा, रेड में कर दूंगा, ये मेरे को रेफरेंस और ये मेरे को हमेशा मतलब आंखों में चुभता रहे, ठीक है, इसको भी हम कर देंगे रेड, ये वाली रेड। आपको एक पता लग गई रेड होगी कौन सी वाली और ये कौन सी होगी वाइट कट में, आपने पता लग गया। मैं आराम आराम से बना रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए, इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, चलो, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब वाइट कट में दूसरा चीज क्या देखना चाहता है, दूसरा चीज ये देखा जाता है, आपने रेफरेंस दे दिया, साइज दे दिया, अब इस ब्लॉक की कलर इंडिकेशन देना पड़ेगा। अब जो मेरा ये वायर एंट्री पॉइंट है इसको मैं कर दूंगा ग्रीन, क्या कर दूंगा मैं इसको, अभी मैं लेयर का यूज नहीं कर रहा, मैं सीधा यहाँ से बता रही हूँ ग्रीन। तो ग्रीन मेरा क्या हो गई, एंट्री पॉइंट हो गई, ठीक है, ग्रीन मेरा क्या हो गई, एंट्री पॉइंट हो गई। देखो यहाँ पे भी मैं ना यहाँ पे जो भी प्रोफाइल है मेरा, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रखा हूँ, मेरा ग्रीन विल भी मेरा क्या होगी, एंट्री पॉइंट, ठीक है। और जो भी प्रोफाइल आपको काटना है, जैसे मेरा ये प्रोफाइल मेरे को काटना है ना, ये प्रोफाइल को मेरे को कुछ कलर में इंडिकेट करना पड़ेगा, तो इस प्रोफाइल की कलर कर दूंगा मैं कौन सी, मेजेंटा। तो मेजेंटा मेरा क्या होगी, वायर कट लाइन होगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है, जैसे मेरा ये इसको मैं उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी मार के, इतना बार बार बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ। देखो डाई ब्लॉक, अब इसमें हाइट नहीं दिया हमने, हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, वायर कट का लिमिट होता है, किसी मशीन का 250 mm लिमिट होती है, किसी का 300 का लिमिट होती है, तो इसका लिमिट कितना है, आपको कौन सी मशीन में हो, कितने वायर कट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो भी आपको देखना होती है, ठीक है। तो डाई हाइट कितना हो गई, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसमें मेरा हो गई, ये लिखना जरूरी है, अगर ये
नहीं लिखोगे ना किसी प्लेट के साथ कोई कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना, फिर आप जो है रेस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे कि हाँ तुमने गलत दे दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ब्लू लाइन इज वायर एंट्री लाइन, मेरा ब्लू लाइन नहीं है ना, मेरा कौन सी है, ग्रीन लाइन है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम दो बार करके एक क्लिक कर लो, और इसको सिलेक्ट करके इसको मैं कर दूंगा ग्रीन लाइन, राइट। ये हो जाएगा मेरा ग्रीन। अब यहाँ पे ब्लू का जगह इसको कर दूंगा ग्रीन। ग्रीन लाइन इज वायर एंट्री लाइन, ठीक है, इसको डिलीट कर दो। मैजेंटा इज द बॉटम प्रोफाइल, बॉटम प्रोफाइल नहीं वायर कट प्रोफाइल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बॉटम प्रोफाइल टॉप प्रोफाइल वाई नहीं, क्योंकि ये टेपर में नहीं है, सीधा है। तो हम इसको क्या करेंगे, वायर कट प्रोफाइल, बस इतना आपको कर देना है। ये तीन चीजें, और देखो यहाँ पे प्रोफाइल जो है ना सिंपल प्रोफाइल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब आपकी टेपर में होंगे। देखो यहाँ पे टेपर में है, टेपर में है, तो इसको हम क्या करेंगे, मैं इसको रीजन कर देता हूँ, फिर अकाउंट भी जाऊंगे, ठीक है। यह देखो जो नीचे वाली बॉटम प्रोफाइल है ना, उसको मैं डॉट 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 लाइन में इंडिकेट कराओ। ब्लू वाली मेरा क्या हो गई, वायर एंट्री लाइन हो गई। यहाँ पे मेरा टॉप प्रोफाइल होगी येलो को, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा हो, यहाँ पे सीधे बंदा देख भी पाए समझ पाए, तो इसी तरीके से होगा। अब ये मेरा क्या होगी, सिंपल प्रोफाइल होगी, मतलब सिंपल प्रोफाइल मतलब सीधा सीधा चलेगा ये, ठीक है, सिंपल प्रोफाइल। तो अब इसको यहाँ पे ले जाऊंगा मैं इसी एरिया में, और इसको एक ब्लॉक से आइडेंटिफाई कर दो। इसमें आपको ये लिखना है, प्लेट की नाम लिख दिया आपने, कौन सी प्रोफाइल किसमें चलने वाला है, बेसिकली इसके ऊपर लेके वो वायर कट करेंगे, सारा चीजें मैंने दे दिया है यहाँ पे। और जो ये प्रोफाइल है इसको आप मैजेंटा ही रहेगा। देखो ये कुछ कुछ चीजें है आपको देना पड़ेगा, है ना, ये कुछ कुछ चीजें वो बंदा खुद ले सकता है। अब इसका क्या जरूरत है, अब इसकी जरूरत ये सब का नहीं है, ये सब सारा चीजें हटा दो, उसको कन्फ्यूजन ना करो, वो बंदा कन्फ्यूज हो जाएगा फिर, ठीक है, उसको कन्फ्यूजन नहीं करना है, इसको सिलेक्ट कर दो। जो भी अननेसेसरी प्रोफाइल है, जैसे ये प्रोफाइल है, अभी एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगी, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, मजा तो आपको आ रहा है सीखने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भी हटा देंगे, ठीक है। आगे मैं आपको और टिपिकल प्रोफाइल में बनाऊंगा, अगर आप वीडियो के रेस्पॉन्स सही मिलेंगे, आगे मैं और टिपिकल प्रोफाइल बनाऊंगा वाइड कट के लिए, जैसे हर तरीके से टेपर में चलेगा, तो उस केस में कैसे बनाओगे आप प्रोफाइल, ठीक है। ये लाइन डिलीट होगी, इसको डिलीट नहीं करना था मेरे को, तो उसका भी मैं बनाऊंगा अगर वीडियो का रेस्पॉन्स सही मिलेंगे, ठीक है। और जो लोग देखो अपना, हर कोई बंदा, मैं एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ, हर कोई बंदा अपना फ्यूचर में ना इन्वेस्टमेंट करना सीखो। अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना, फिर जब लेट हो जाएंगे ना, उस चीज के पछतावा मिलेंगे आपको। तो अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करो, अपने ऊपर ही तो इन्वेस्टमेंट करोगे यार, ठीक है। चीजें सही टाइम पे सही चीजें सीख लो, फिर बाद में चीजें को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हमने सारा चीजें यहाँ पे बना लिया, और ये जो है ये थोड़ा सा इरिटेटिंग प्रोफाइल है, इसको हटा दो, कोई भी अननेसेसरी लाइन नहीं रहना चाहिए, बस जो आपको वायर कट करना है उसको दिखा दो, उसको इतना कंफ्यूजन ना ही दो, क्योंकि इतना जितना कंफ्यूजन करेगा फिर वो दोबारा पूछेगा, गलती से कुछ हो जाएगा ना, फिर तो होगी। पर इसको भी आपको हाईलाइट करना है, इस प्रोफाइल को भी आपको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। मैं तो ये सारा चीजें हटा ही दूंगा, ये सारा चीजें मैं हटा ही दूंगा, मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। बस कुछ जितना समझ में आए इतना समझ में दो, फिर भी मैं यहाँ पे आपको लोग के लिए दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको वायर कट प्रोफाइल बनानी है, यहाँ पे एक ब्लॉक बना दो, ठीक है, और इसको मैं ऑफसेट कर देता हूँ, वो एंटर 5 mm की बोथ साइड ऑफसेट, ठीक है। और इसको हम जैसे एक सारा चीजें बनाते हो ना, इसमें हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई कैसे वायर कट फाइल बनाना है, आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो। जिसको भी क्लासेस वगैरह लेना है, जिसको भी एडवांस क्लासेस वगैरह लेना है, वो ले सकते हैं, इसी तरीके से मैं करता रहता हूँ। अगर मान लो मेरा ये प्लेट, एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, अगर मान लो अभी मेरा ये प्लेट काम का है, अगर मेरे को इस प्लेट से ब्लॉक निकलना होता ना, तो मैं इसकी वायर एंट्री पॉइंट ऐसे दूंगा, मतलब यहाँ पे कट हुआ तो इधर से वायर इधर जाएंगे, तो ये मैं वायर एंट्री पॉइंट देता मैं, ठीक है, ये मेरा वायर एंट्री पॉइंट होता है मेरा, फिर मैं ये इसको हटा देता मैं, ये हटा देता मैं फिर उसके बाद। तो ये भी एक चीजें देखना पड़ेगा, अभी मेरा क्या है, मैं प्लेट में कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, एक ब्लॉक से कुछ कुछ इंसर्ट निकालना होता है, जैसे मान लो इसकी जो इंसर्ट होता है ना, जो प्लेट की इंसर्ट लगाऊंगा मैं डाई में, मतलब डाई दिखाता हूँ आपको,
ठीक है, जो मेरा ये इंचार्ज है। अब इसको मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए मेरा प्लेट चाहिए। अब इसकी प्लेट के लिए मैं क्या करूंगा, दो इंचार्ज चाहिए मेरे को मान लो, तो दो इंचार्ज के लिए मैं क्या करूंगा, एक ब्लॉक लूंगा, ऐसे ब्लॉक लूंगा ना जिससे मैं इसे इंसर्ट निकालूंगा। तो उस केस में मैं वायर कट कैसे करूंगा, उस केस में आपको वायर कट कैसे करना पड़ेगा, ऐसे एक प्लेट लोगे जिसमें से आपके इंसर्ट सही जाएंगे, ठीक है। वायर एंट्री पॉइंट आपको रेफरेंस ऐसे दोगे, फिर वहां से वायर एंट्री कराओगे, जैसे वायर एंट्री करा ये बाहर बाहर ऐसे काटेगा, ठीक है। काटने के बाद ये काटा ऐसे काटा, उसके बाद वायर कैसे निकल जाएगी, इसमें कैसे जाएगा, उसके लिए वायर एंट्री देना पड़ेगा आपको। तो ये भी एक तरीका है, आई होप आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से आपको वायर कट फाइल वगैरह बनानी है, अगर आपको कुछ चीजें पूछना है तो पूछ सकते हो, हमेशा डीएक्स फाइल में देना होगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो कमेंट सेक्शन में सब लोग बता दे। अगर आपको पेड क्लासेस वगैरह सही है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरीके से मैं सारा क्लासेस कराता हूँ आपको, सॉफ्टवेयर क्लासेस हो गई, कैट हो गई, कैम हो गई, केई हो गई, सारा चीजें मैं सिखाता हूँ और प्रैक्टिकल लेवल में सिखाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।